हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दिस साइड मी अगेन नक्षत्र, बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो आज है 18th of April। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। तो होप यू ऑल आर डूइंग गुड, अच्छे रहना भाई लोग बस। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, अब मुझे जो है कपड़े धोने हैं। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग कपड़े पहले गला देते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, देन थोड़ी देर बाद कपड़े धोएंगे। यहाँ हमने डाल दिया भारती में सर्फ, और अब सर्फ को गला रहे हैं, उसके बाद फिर हम उसमें फटाफट कपड़े डाल देते हैं। मेरे ज़्यादा कपड़े नहीं है, मेरे कुछ ही कपड़े हैं, तो मैं फटाफट इनको गला देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो मैंने कपड़े अभी गला दिए हैं और अब मैं जा रहा हूँ चाय बनाने, क्योंकि अब चाय तो पीना बनता ही है ना यार दिन भर में एक बार। तो फटाफट से हम लोग चाय बनाते हैं और फिर चलते हैं ऊपर वापस चाय को लेके, फिर पढ़ाई करेंगे। चाय 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 भाई, हम तो हैं चाय के शौकीन, पर फटाफट चाय बनाते हो। चुकी हमारी चाय, विदु का ग्लास के कप में पीता है ऑलमोस्ट, सो हम विदु को चाय दे के आते हैं फटाफट, फिर आप अपनी लेके ऊपर चलते हैं। ये लो चाय, अब हम भी हमारी चाय को लेके चल रहे हैं ऊपर। तो ऊपर जाने से पहले हमें किचन का गेट लगाना होगा, तो चाय को रखते हैं इधर और फटाफट से गेट लगाते हैं और चल रहे हैं। चल मेरे भाई चल चल। तो गाइज, अभी मैं चाय पीते पीते इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था मेरे दूसरे फ़ोन में, तो मैंने आई जस्ट हियर अ न्यूज़ अगेन कि कोरोना वायरस कोविड है वापस से स्प्रेड हो रहा है, और करीबन 1000 से 2000 के बीच में कोविड केसेस वापस इंडिया में मिले हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि टेक प्रिकॉशंस अगेन, मास्क अभी लगाना ना छोड़ें, मास्क लगाइए, इट वुड बी बेटर फॉर यू, बिकॉज यू नो वेरी वेल कितना गंदी तरीके से पैंडेमिक गया है और हम नहीं चाहते कि वापस हुआ है। तो प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखें। तो बस यही कहना चाह रहा था मैं आप लोगों से। तो अब टाइम आ गया फाइनली पढ़ने का, इतनी देर बाद। तो अब मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने, क्योंकि बहुत देर हो गई है मुझे इधर उधर करते हुए कि आप पढ़ रहा हो पढ़ो, लेकिन फाइनली आप पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने कभी टाइम टेबल बनाया है या फिर नहीं, मतलब आप स्टडी करते हो तो स्टडी करने से पहले टाइम टेबल बनाते हो या फिर नॉर्मली जो मन आता है वो पढ़ते हो। मैं तो मेरा टाइम टेबल बना के रखा हूँ, मैं टाइम टेबल के बेसिस पे ही पढ़ रहा हूँ फिलहाल, तो ताकि मेरा जो सिलेबस है वो 7 दिन के अंदर अच्छी तरीके से कवर हो जाए पूरी तरीके से, बिकॉज केवल 7 दिन बचे हैं आज से मिला के मेरे पेपर में। तो मैं फटाफट से अब अपना सिलेबस स्प्रेड अप करता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। मिलते हैं जल्दी वापस कुछ। यस, पढ़ते पढ़ते हमको आ गया एक काम, तो हम जा रहे हैं अभी मंदिर, वहाँ पर हवन है, तो वहाँ पर हवन हो रहा है, तो वहाँ पर हमको बुलाया गया था, तो हम लोग जाते हैं, फिर वहाँ पे पूजा वूजा करके वापस आते हैं। हम पहुंच गए हैं झीरी वाले हनुमान जी के मंदिर पर। ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, ये पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ मंदिर है, काफ़ी ही प्यारा दृश्य यहाँ पे आपने को देखने को मिल रहा है। यहीं पर हवन चल रहा था इसी मंदिर में, तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो गाइस, सामने चल रहा है यहाँ पर हवन और ये मंदिर का पूरा दृश्य है, ये ऐसा पूरा मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर पूरी तरह से पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। ये देखो ऊपर ये पहाड़ियाँ हैं, पूरे पहाड़ियों से गिरा हुआ है नरसिंहगढ़। सो गाइस, अभी हम वापस वहाँ से मंदिर से आ गए हैं, घर की ओर जा रहे हैं वापस, क्योंकि अभी वहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा, अभी वहाँ पे हवन चल रहा है, तो हम लोग हवन में थोड़ी बहुत देर रुके और वहाँ से वापस आ गए। तो अब हम बस निकल रहे हैं वापस घर की ओर, फिर शाम को वापस आएंगे। सो फाइनली मंदिर से तो वापस आ गए हम लोग, वहाँ पे अभी हवन चल ही रहा था, तो घर आते ही हम लोग को फिर मिले चावल। वैसे मैं शक्कर बहुत डालता हूँ चावल में, मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं अभी खा रहा हूँ नमकीन चावल, फिर वापस से वही अपना पढ़ने बैठते हैं। अच्छा, एक बात मेरे मन में ही आ रही थी कि हम लोग जब भी पढ़ते हैं, तो मेरी आदत है बेसिकली कि मैं जो हूँ क्या कहते हैं, मेरी आदत है कि मैं ऑलमोस्ट म्यूजिक सुन सुन के पढ़ाई करता हूँ। तो आप लोग भी करते हो या फिर नहीं, आप लोगों का मन कैसे करता है पढ़ने का, मुझे कमेंट डाउन बिलो करना, ताकि मुझे भी जानने का मौका मिले। तो तब तक मैं फिलहाल अभी नमकीन चावल एंजॉय करता हूँ, फिर वापस मिलते हैं। Don't let me go.
गाइस पढ़ते पढ़ते अभी टाइम हो गया करीबन 4:20, तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो मैं, विदु और हम दोनों जा रहे हैं, मिलते हैं फिर आपको। तो गाइस सबसे पहले हम अभी मंदिर जा रहे हैं फिलहाल वापस, फिर मंदिर से फिर कुछ खाने को निकलेंगे, तो फिर दिखाते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, ठीक है। फिर वापस मंदिर चलते हैं जहाँ सुबह गए थे, वहाँ पे प्रसादी लेते हैं, फिर वापस आते हैं इधर। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं निकीस कैफे पे, जो कि नरसिंहगढ़ में है, और हम लोगों ने अभी ऑर्डर किया है पनीर पेटीज। तो अब ऑर्डर किया है, थोड़ी देर लगेगी, फिर खाते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और बस इसको खाते फिर इंजॉय करते फिर वापस घर जाएंगे, घूमते फिरते मिलते हैं वापस घर पर। तो लग रही भैया बहुत गंदी तरीके से भूख, तो हम फटाफट से इस पनीर पेटीज को इंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं। सो गाइस फाइनली वी आर बैक एट होम, नाउ इट्स टाइम टू वॉश आवर क्लॉथ्स। अब फटाफट से कपड़े धोते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। अबे साले जब माफ करना, कपड़े धोते धोते हमको याद आया कि दादी बब्बा भी आने वाले, तो हम लोग को उनको लेने जाना है, तो हम लोग कपड़े छोड़ के पहले दादी बब्बा को लेके आते हैं, उनकी बस आने वाली है, फिर बाद में कपड़े धोते हैं घर आके। तो चलो, हमारी गाड़ी दौड़ी इधर चौधर उधर, इतना मार्केट में भीड़ थी कि हम क्या बताएं, गाड़ी दौड़ाते गए और फाइनली थोड़ी देर में हम लोग बस स्टैंड पहुंच गए। हमने दादी बाबा को ऑटो में बिठाया और हम लोग उनको घर ले आए। मुझे एक बात आप सब लोग ये बताओ कि अपने कपड़े आप खुद ही धोते हो या फिर घर पे मम्मी धोती है? वैसे मैं जब तक बाहर रह रहा हूँ तब तक तो मैं ही धोता हूँ, बाकी घर पर तो हाँ भाई सभी की मम्मियाँ कपड़े धोती हैं। लेकिन आप लोगों को कपड़े धोने आते भी हैं या नहीं? मुझे तो आते हैं लेकिन इतने अच्छे से नहीं, मगर हाँ ठीक है, धो लेता हूँ मैं अपने हिसाब से। तो बस अब फटाफट से कपड़े धोता हूँ, फिर वापस मैं मिलता हूँ आपको पढ़ाई करने के बाद। बाय बाय। सो गाइज अब बज चुकी है रात की 11:30, तो अभी तक हम पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग वहाँ से आ गए थे, फिर खाना वाना खाया, फिर हम लोग पढ़ाई करने बैठ गए थे। तो अब पढ़ाई करके जस्ट उठे हैं और अब जाके हम लोग इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं। तो होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा डेली की तरह, अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।